जलाए। तो तुम चाहती हो कि वो पूरी की पूरी जल जाती? मैं ऐसा भला क्यों चाहूंगी? दिमाग में 24 घंटे मंसूबे चलते हैं तुम्हारे मेरी माँ को रास्ते से हटाने के लिए। क्या तूने इससे शादी कर ली? रात बिरादरी क्या है, कौन सा खानदान है, कुछ पता तो चले। एक शरीफ खानदान की लड़की है, इसीलिए इससे निकाह किया। और आपके सवालों का जवाब सिर्फ यही है कि ये मेरी बीवी। देर तक राबिया के कमरे में बैठे रहे, आखिर क्या मतलब है इन बातों का? यही ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं और तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं इस रिश्ते में। ये सारी चीजें लोगों की मेहरबानियों की वजह से तुम्हें मिली है, इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है पुत्र, कोई हक नहीं है। तुम आज भी उसी तरह खाली हाथ हो गुलनार, जिस तरह अपने घर से निकलते वक्त थी। सोचो, अगर आज ये लोग तुम्हारी सरपरस्ती से हाथ उठा ले तो क्या तुम साहिर को अकेले पाल सकोगी? मैं जानती हूँ पुत्र, तुम उससे बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन एक बच्चे को पालने के लिए, उसका अच्छा मुस्तकबिल बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। मेरी बात को गौर से सुन के सोच समझ कर जवाब देना, और ये बात मत भूलना कि जब हमें छत की जरूरत थी तो नफीस साहब और उनकी बेगम ने हमें ये साहिब बांध दिया था, और आज खुद ही वो ये सब को छोड़कर जा चुके हैं। हम भी ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकते बता, नहीं रह सकते। मुझे इस बात का बहुत दुख है, उन्होंने मुझसे ये क्यों छुपाया कि उनके सौतेले भाई ने मुकदमा दायर कर दिया और अदालत में नोटिस भेज दिया घर सील करने का। वो भी शायद तुम्हारी वजह से, वो तुम्हें दुखी करना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि तुम साहिर को भूल जाओ और जिंदा रहना सीख लो। पता नहीं, सलामुअलैकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम। ये तुम क्यों चाय लाई हो? मुलाजम के इस मर्ज की दवा है। मुलाजमों के लिए सिर्फ काम जिसकी उन्हें तनख्वाह मिलती है, अगर मेरे लिए मेरा फर्ज, वो फर्ज जिसे अदा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। एक मिनट जरा बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये जिस आदमी ने तुम्हारी सहेली को तलाक दे दी, उससे तुमने शादी क्यों कर ली? क्योंकि शादी की नहीं चाहती, शादी हो जाती। ये फैसले इंसान के नहीं तकदीर के होते। अगर तो तूने आलम की दौलत और जायदाद के बारे में सोच के उससे शादी की है कि उसका हिस्सा मिलेगा, तो कान खोल के सुन लो, उसको मेरी दौलत और जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कि तुम गैर खानदान हो, और हमारे खानदान में जो लड़का गैर खानदान में शादी करता है उसको उसकी सजा मिलती है। मैंने आलम से उनकी शख्सियत, उनकी इंसानियत देखकर शादी की, उनका खानदान या उनकी वल्दियत देखकर नहीं। क्या है तुम्हारा खानदान, क्या करते हैं माँ बाप? मेरे माँ बाप मर चुके हैं, उसके अलावा मेरे खानदान का कोई फर्द बाकी नहीं। एक बहन है, उससे मेरी जात में कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे भी उन्हें मेरा और आलम का रिश्ता कबूल नहीं। क्या हो? क्योंकि वो जिससे मेरी शादी करवाना चाहती हूँ, उसके पास मकान बनाने के लिए तो बहुत पैसे थे, मगर घर बनाने की नीयत और ख्वाहिश नहीं थी। हालांकि दौलत से क्या नहीं मिल सकता? रिश्ते, क्योंकि अगर दौलत से रिश्ते मिल सकते
तुम्हें सारी जहां की दौलत हासिल कर अपने माँ बाप को पाली थी। तुम कहीं जा रही हो? मैं यहाँ पे मजीद नहीं रह सकती, बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊं, साहिर से दूर। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें ये फैसला करने में बेहद तकलीफ हो रही होगी, पर ये फैसला तुम्हें करना ही था, ये तुम भी जानती हो। आप आज शाम के टिकट मंगवा लें, हनुमकाज यहां से चले जाएंगे। सुबह सुबह कहाँ गई थी? बाबा साईं को चाय देने। कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं, बस मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानना चाह रहे थे। क्या कहा तुम? वही जो सच था। अच्छा किया। मैं शाम में जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तुम्हारी तो प्रैक्टिस चल रही है ना, मेरे साथ जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, हरगिज नहीं। आलम, लेकिन मैं पहले भी खुद जाती थी। अब मैं तुम्हारे साथ, और जब तक हम साथ हैं एक दूसरे का साथ देना हमारा फर्ज है। एक बात पूछो। पूछो। उस दिन जब तुम्हें मेरी बीमारी का पता चला था, तुम अचानक से हॉस्पिटल कैसे आ गए थे? सच कहूं? हाँ। जब तुमने मुझसे शादी करने के लिए कहा था, तो उसी वक्त समझ गया कि कोई ना कोई खास वजह, और बस वही वजह जानने के लिए मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू किया, और आखिरकार मुझे वो वजह पता चली। ले अम्मा चाय। अरे इस रानिया ने तो वकार को पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया है। सुबह सुबह चेक लिख कर लेकर गया है रकम निकलवाने के लिए। रकम? वो किस लिए अम्मा? अरे इसी पागल के इलाज के लिए, और किस लिए? अम्मा वैसे आपको भी तो पूरी दुनिया में एक यही मिली थी, जहज वहज तो कुछ लेके नहीं आई, साथ में अपनी एक पागल बहन को ले आई। मुझे क्यों मिली थी? तेरा ही भाई पागल हो गया इस मीसनी को देखकर सादिक के घर में। पता नहीं इस कलमोही ने क्या जादू कर दिया कि तलाक याफ्ता भी होना उसको निकला। वैसे अम्मा आपको वकार की बात माननी नहीं चाहिए थी। उसको नाराज करने का मतलब पता है तुझे? फाको की नौबत आ जाती है इस घर में, और ये जो तुझे हर वक्त कपड़े चाहिए होते हैं इसी की कमाई की वजह से है, और तेरे ससुराल वालों का भी मुंह भरती हूँ इन्हीं पैसों से। अच्छा छोड़ो, अब ये बताओ कि भाई को पैसा खर्च करने से कैसे रोके? एक तरीका है मेरे पास। वो क्या? जरा
आज वकार ना राबिया को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा है चेकअप के लिए। उससे पहले